বাবা, বাবা, মা, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? बाबा, माँ, आप तो जानते हो आपका करण ऐसा नहीं कर सकता। मैं गुनहगार हूँ, माँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। क्या किया? देखा तुमने? मैंने अपने ही माँ बाप को मार दिया। झूठ बोला था तूने। अब तक न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की ना। लेकिन अब मैं देखता हूं, मैं देखता हूं कि तू कैसे जिंदगी बर्बाद करता है। जल्दी आ जाते, एनिवर्सरी आज आपकी। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, रास्ते में हूं। कब से यही बोल रहे हो? आपको मॉम की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? अब फिक्र है बेटा, आपकी मॉम के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक बेशकीमती और यादगार चीज मिली, जिसे देखकर आपकी मॉम घड़ी घड़ी मुझे याद करती। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। अच्छा तुम और आरव चाचू दोनों मिलके बाकी के अरेंजमेंट देख लेना। मॉम और आरव चाचू ने मिलकर सारी अरेंजमेंट्स कर लिए, किसी को कुछ करने ही नहीं देते। बहुत अच्छी टीम है उनकी। चलो ठीक है, मैं घर पहुंच रहा हूँ। मुझे तो बस उस पल का इंतजार है जब सुमन ये गिफ्ट देखे, उसका चेहरा देखने लायक खुश हो जाएगी। गए जनाब, हर जगह इन्हें देर से पहुंचने की बीमारी है। तुम्हें पता है शादी करनी चाहिए, ये भी इन्हें बड़ी देर से पता चला था। अब ये तो हमारे भैया की किस्मत बहुत अच्छी है, नहीं तो हमारी भाभी को कोई एक नजर देख ले तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? अब जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत और बेशकीमती हो, उसके लिए गिफ्ट भी बेशकीमती ही बनता है ना? Happy anniversary! अरे मैं भी। अरे आ जाओ। आप दोस्तों, अब चलते हैं एक स्पेशल गिफ्ट एक स्पेशल लेडी के लिए। कम, प्लीज कम। Yes. कम। हाँ, प्लीज कम कम। ये रहा मैडम का गिफ्ट। ओके अजीब से क्यों देख रहे हैं इस घड़ी को? बहुत अजीब है ये घड़ी, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आई है। अच्छी फीलिंग नहीं हो रही इसे देखकर। अरे छोड़ो अब इस घड़ी की बातों को, पार्टी एंजॉय करो।
और जितनी भी पुरानी और एंटीक चीजें होती हैं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ कहानी और किस्से लेकर के आती है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली भाभी आपको, आपके साथ तो मैं हूं ना। सही कहा तुमने, तुम्हारे भाई की अजीबोगरीब गिफ्ट से तुम ही बचा सकते हो मुझे। ये तो है भाभी, मैं तो आपकी सेवा में ऐसे 24 घंटे हाजिर रहूंगा। ये सिर्फ एक बेशकीमती और पुरानी घड़ी है और कुछ नहीं, बाकी सब तुम लोग के दिमाग का वहम है। चलो पार्टी एंजॉय करें। अच्छा अब हमें निकलना चाहिए, बहुत रात हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन हरीश। ओके सर, अभी निकलते हैं, कल मिलते हैं ऑफिस में। घड़ी में से आवाज क्यों आ रही है? भी, डेकोरेशन वालों को बोल दो हॉल क्लियर कर दे, और यहां आके मेरी हेल्प करो जरा। हाँ आई। ये कैसे हो सकता है? ये तो परसों की डेट है। आज तो 28 है ना? आज तो मेरी एनिवर्सरी थी। नहीं, ओह
हेलो, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रखे हो? रो क्यों रहे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ आयुष। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सबका भविष्य जानता हूँ। रो रहा था क्योंकि आज ही के दिन 30 सितंबर को तुम मरने वाले हो। मैं मरने वाला हूं? ये क्या बकवास कर रहे हो? और तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? हाँ, अभी इस वक्त अपनी असल जिंदगी के ठीक 2 दिन बाद वाले दिन यानी कि 30 सितंबर में प्रवेश कर चुके हो और ठीक आज के दिन तुम मरने वाले हो। ये सच है आयुष। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारा ये जानना जरूरी है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आओ, 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 आओ मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं रहना आयुष के साथ। भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर हम दोनों को एक होना है तो भैया को तो मारना ही होगा। आरव, सुमन, अच्छा हुआ तुमने ये सब देख लिया, क्योंकि एक ना एक दिन तुमको ये सब पता चलना ही था। और हमारे एक होने के पहले तुम्हें मरना होगा, फिर तुम्हारा सारा पैसा हम दोनों का। और रही बात रिधिमा की, तुमसे ज्यादा आरव को पसंद करती है वो। हम मरने के लिए तैयार हो जाओ भैया। बोलो, दोगे मुझे अपना शरीर? ये सब सपना है, सच नहीं है ये।
झूठ बोल रहे हो तुम। मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा मैं। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं, कोई नहीं। आयुष, आयुष पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ और घबराए हुए क्यों हैं? भैया क्या हुआ, आप ठीक हो ना? कुछ हुआ, मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने आया तो पैर फिसल गया। तो जाके सो जाऊंगा। आयुष आप चलिए, आयुष चलिए। घड़ी को क्यों देख रहे थे? निशान है जो घड़ी के डायल पे भी था, लेकिन ये तो किसी शैतान का निशान है जो लोगों को गलत भविष्य दिखाकर उन्हें अपने वश में कर लेता है। कहीं पापा के साथ भी ऐसा ही कुछ तो नहीं हो रहा? मुझे इस घड़ी के बारे में सब कुछ पता लगाना ही होगा। कपूर ये इस तंत्र विद्या में बहुत माहिर है, मुझे इनसे मिलना ही होगा। लेट जाओ। के दिन 30 सितंबर को मरने वाले हो। हमारे एक होने के पहले तुम्हें मरना होगा। क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? एक बुरा सपना था, तुम सो जाओ। Are you sure? हाँ, तुम सो जाओ। इन्हें कल रात से कुछ ना कुछ तो हुआ है, मुझे घूरे जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ। सब ठीक तो? गुड मॉर्निंग पापा। ये लीजिए नाश्ता कीजिए। Thank you.
खामोश, एक दिन और। भैया कल खत्म। किस बात का इंतजार कर रहे हो आयुष? धोखा दिया है इन दोनों ने तुम्हें। मैं बचाऊंगा तुम्हें, बस मुझे अपना ये शरीर दे दो। आयुष, मरने वाले हो तुम। नहीं, ऐसा कुछ भी होगा। पापा, आप किससे बातें कर रहे हैं? नहीं, किसी से नहीं। वो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जा रहा हूं। अरे नाश्ता तो करते जाइए। छोड़ो, आयुष पिछले महीने हमने बहुत सारे रिसोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आगे वाला इन्वेस्टमेंट कुछ गिने चुने रिसोर्ट्स के ऊपर ही हो तो कैसा रहेगा? और 30 तारीख को प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। आयुष, 30 सितंबर को तुम मरने वाले हो। जाओगे आयुष, तुम्हारी मौत के बाद आरव और सुमन खुशी खुशी रहेंगे। मदद करने दो मुझे तुम्हारी। अपना शरीर दे दो। दे दो मुझे अपना शरीर, दे दो, नहीं तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हो गए। अपना शरीर दे दो, दे दो, दे दो। नहीं, नहीं मरना मुझे, ले लो मेरा शरीर, मार दो उन दोनों को, मार दो। मेरा नाम रिद्धिमा है और मैंने शैतानी शक्तियों के बारे में लिखा हुआ आपका ब्लॉग इंटरनेट पे देखा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताओ कैसी मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? जब से ये घड़ी पापा घर पर लाए है ना, तब से कुछ अजीब सा ही बिहेव करने लगे है। श्रापित घड़ी है ये, एक बार अगर कोई इसके डायल में देख ले तो वो उसे अपने अंदर खींच लेती है और भविष्य में लेके जाती है। लेकिन ये घड़ी भविष्य कैसे दिखा सकती है? इसके अंदर की शैतानी ताकत आपको आपका भविष्य बताती है और आपको आपके अपनों को मारने के लिए उकसाती है। अगर आपने इसकी बात सच मान ली और अपनी मर्जी से अपना शरीर इसे दे दिया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो कोई तो रास्ता होगा ना इस बुराई से लड़ने का? आरव,
जी मैम। कुछ तो हुआ है तुम्हारे भैया को, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, ना तो मुझसे कोई बात करते हैं ना कुछ बता रहे हैं मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी, क्यों ना हम भैया को किसी डॉक्टर को कंसर्न करें, वही बता पाएंगे कि भैया के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्या हुआ है? तुझे मरना ही होगा आयुष। तुम्हारा किस्सा खत्म। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। आयुष क्या हुआ है आपको? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या कर रहे हो भैया? भैया तुम्हारे पापा को हुआ क्या? उस शापित कड़ी के वश में आकर पापा ये सब कर रहे हैं। Thank you.
निकलो तुम, जानता हूं तुम यहीं हो। निकलो। और पापा को इस शापित घड़ी से बचाना है तो मुझे इस घड़ी के अंदर जाना ही होगा माँ। नहीं रिद्धि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। यही एक रास्ता है माँ। रिद्धि, माफ कर दो सुमन, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम पे अपनी बुरी सोच से हावी होने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपनी अच्छी सोच से उसकी बुरी सोच को हराना है। बस यही एक रास्ता है उससे बचने का। यही तुम्हारी बनाई हुई दुनिया है। तुम्हारा बनाया हुआ आने वाला कल झूठे हो तुम। ये सब झूठ है। यही सच
भरोसा करो। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं करना, झूठा हो तुम। सच यही है कि तुम मरने वाली हो। मैं बचाऊंगा तुम्हें। अपना शरीर मुझे दे दो रिद्धि। नहीं सुनना मुझे कुछ। अपना शरीर मुझे दे दो रिद्धि। मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो।